बड़बड़ाती जिठानी। सिम्मी की शादी एक जॉइंट फैमिली में होती है जहां उसके पति राकेश के चाचा चाची भी साथ रहते थे। उनकी बहू मेघा सिम्मी की जिठानी लगती थी। अरे मेघा, राकेश आ गया है, उसका खाना लगा दे बेटा। हाँ माँ, बस वो चेंज कर ले, मैं खाना लगा दूंगी। सबके कमरे में जाने के बाद सिम्मी और राकेश साथ खाना खाते हैं, जिसे देखकर मेघा को जलन होने लगती है। अरे सिम्मी, हमारे घर में पति के साथ खाना खाने का रिवाज नहीं है, तुम्हें राकेश ने बताया नहीं क्या? सिम्मी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है कि मेघा सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची जी, राकेश भैया तो सीधे हैं, कछु नहीं बोलते, कछु नहीं समझते, लेकिन आप तो सयानी है ना, अब देखें साथ बैठकर खाती है भैया के, कुछ झूठा मीठा उसका भैया के पेट में चला जाए तो सिम्मी को तो पाप लगेगा ना, पाप। सिम्मी मेघा की बात सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, सिम्मी मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुमको चलना है तो साथ चलो। मेघा राकेश की बात सुनती है और सीधे सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, अरे चाची। अरे मेघा, क्या हो गया, बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं ना चाची, कैसा ठीक है, राकेश भैया मुंबई जा रहे हैं, आप तो जानती हैं कितने सीधे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अरे सिम्मी, पता चला है कि राकेश मुंबई जा रहा है, ना बेटा ना, वो नहीं जा सकता। अरे माँ, उन्हें ऑफिस के काम से जाना था, लेकिन आपको तो पता है ना, उन्हीं दिनों मेरे मायके में शादी है, तो वो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। सिम्मी समझ जाती है कि मेघा ने सास के कान भरे हैं। वो सास से कहती है, माँ जी, लेकिन हम दोनों कुछ दिनों के लिए मसूरी जा रहे हैं, आप तो जानती हैं कि शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ घुमाओ। सास वहां से चली जाती है। सिम्मी अपने कमरे में कपड़े पैक कर रही होती है कि तभी मेघा आ जाती है। अरे गर्मी में सर्दी के कपड़े काहे पैक कर रही हो? सिम्मी को मेघा पर नाराजगी तो होती है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल मैं और राकेश हनीमून के लिए मसूरी जा रहे हैं ना। का हनीमून? हाँ हाँ हनीमून, क्यों, हनीमून के लिए तो पति पत्नी ही जाते हैं ना, तो मैं और राकेश जा रहे हैं। मेघा भागकर सिम्मी की सास के पास जाती है। अरे चाची, सच में तुम लोगों जितना सीधा परिवार तो मैंने देखा ही नहीं है, अरे अकेले भेजोगे दोनों को? मैं और सुरेश तो कभी अकेले नहीं गए। हाँ भाई, हम तो परिवार में ही अच्छे, बड़ों के बीच, ऊपर से खर्चे है भगवान। अरे चाची, पहाड़ी इलाका है, कुछ हो गया तो। सास सीधे सिम्मी को बुलाती है लेकिन सिम्मी तो वहीं सास के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। बस मेघा दीदी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बड़ी हूँ, घर के कायदे कानून तो मैं ही बताऊंगी ना। अरे तो अपने घर में रखे ना सारे कायदे कानून, आपकी सास खुद खाना बनाती है क्योंकि आप यहाँ आकर मेरी सास के कान भरती हैं। आपका पति हमेशा खुद खाना लेकर खाते हैं क्योंकि आप मेरे घर में ये देखने के लिए बैठी रहती हैं कि मैंने और राकेश ने साथ खाना खाया तो खाया कैसे। मेघा दीदी, आप अपने घर और घर वालों का ख्याल रखिए, मेरे घर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, और हाँ, मैं अपने सास और पति को संभाल लूंगी। मेघा चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है जिसकी आवाज सुनकर राकेश वहां आ जाता है। सिम्मी, मैंने तो तुम्हें पहले ही अपने घर का माहौल बता दिया था। हाँ राकेश, तुम्हारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से कुछ लोग आकर इसे खराब करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी। सास सिम्मी की बात सुनकर कमरे में चली जाती है।
सिमी और राकेश घूमने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो दरवाजे में मेघा और उसके पति खड़े होते हैं, वो भी सामान लेकर। अब छोटे मर्यादा तोड़कर घूम रहे हैं तो हम कहे नहीं। अरे भाभी, तो आपको किसने मना किया है? वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के घर में ताक झांक करके बिताने से अच्छा हो मौज कर।